नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, बोले सबसे बड़े संकट में भारत ने दिखाई क्षमता, 100 साल बाद खुद पर गर्व करेगी मानवता। मेघालय में ममता बनर्जी की टीएमसी पर बरसे अमित शाह, कहा बोकुल संगमा उस पार्टी में चले गए जो थी टोली बाजी। शिंदे की हुई शिवसेना चुनाव आयोग बोला, उद्धव गुट ने चुनाव बगैर लोगों को नियुक्त किया, यह असंवैधानिक है। सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, खुदा का हवाला देने वाले भाषण के लिए चल रहे मुकदमे पर लगाई फिलहाल रोक। हरियाणा में हुई हत्या पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, बोले हिंदू राष्ट्र को मानने वाले ने जुनैद और नासिर को मारा गया बीजेपी ऐसे। रोजगार को लेकर सीएम योगी का बयान, बोले डिफेंस कॉरिडोर में बनेगी तोपे, मिलेगा रोजगार। बसपा अध्यक्ष मायावती ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा ऐसी स्वार्थ की राजनीति शोभा नहीं देती। बाबा विश्वनाथ 4 किलोमीटर दायरे में भक्तों की कतारें, बम बम भोले से गूंज रहा है लोधेश्वर मंदिर पूरा, महादेव में कवाड़ियों की भीड़ देखने को मिली। हर हर महादेव के जय घोष से गूंजा शिवालय महाशिवरात्रि पर उमड़ी भक्तों की आस्था, पंचभक्त से भगवान शिव का रुद्राभिषेक सीएम योगी ने किया। ब्रज में 2 दिन मनाया जाएगा महाशिवरात्रि का पर्व, मथुरा में शनिवार को तो वृंदावन में रविवार को भक्त रखेंगे व्रत। कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला, 5 दहशतगर्द मारे गए, पुलिस अधिकारी और रेंजर समेत 4 की मौत, मुठभेड़ खत्म। तुर्की सीरिया में मरने वालों की संख्या 44,000 हुई, 260 घंटों के बाद मलबे से निकाले गए युवक ने पूछा, क्या मेरा परिवार जिंदा है। बाइडेन की चेतावनी, चीनी बैलून फिर आया तो शूट करेंगे, कहा चीन से कोल्ड वॉर नहीं चाहते लेकिन अफसोस नहीं। इंजन बंद करने से हुआ नेपाल विमान हादसा, जांच में खुलासा, पायलट ने गलती से इंजन की पावर सप्लाई बंद कर दी थी। अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से घुस रहे भारतीय, 2022 में अमेरिकी पुलिस ने 60,000 को पकड़ा। महिला T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का इंग्लैंड से होगा महामुकाबला, जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। दिल्ली टेस्ट में 263 रन पर सिमटी कंगारुओं की पहली पारी, ख्वाजा हैंड्सकॉम के अर्धशतक, शमी को सबसे ज्यादा 4 विकेट। सेलेक्टर चेतन शर्मा का इस्तीफा, बीसीसीआई के अधिकारी नाराज थे, टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने सिलेक्शन मीटिंग से मना कर दिया था। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का शेड्यूल जारी, महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या के बीच पहला मैच 31 मार्च से खेला जाएगा टूर्नामेंट। रविंद्र जडेजा ने उस्मान ख्वाजा का विकेट लेकर रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट 250 विकेट लेने वाले 8वें भारतीय बने। शाहिद कपूर ने फैंस को क्या सरप्राइज, थिएटर में चल रही थी जम्मी वेट की स्क्रीनिंग, अचानक से मारी एंट्री। शहजादा के रिलीज होते ही सिद्धि विनायक पहुंचे कार्तिक आर्यन, बप्पा का लिया आशीर्वाद। उर्वशी रौतेला ने ऋषभ पंत के लिए मांगी दुआ, पेप्रोची ने क्रिकेटर की हेल्थ को लेकर बोली, वो हमारे देश के लिए कीमती है। शादी के बाद जमकर नाची स्वरा भास्कर, पति फाहाद का हाथ थामे कोर्ट के बाहर ढोल पर किया डांस।
मेरी फैमिली मैन टीम पर काम है चालू, लेकिन अब तक मुझे संपर्क नहीं किया गया मनोज वाजपेयी। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।